गोधरा के पिलोर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर राजेंद्र वर्मा द्वारा महिला सफाई कर्मचारी के साथ लॉकडाउन से पहले दुष्कर्म गुजारने के बाद 8 महीने के बाद दोबारा से चाकू दिखाकर दुष्कर्म करने की धमकी देते हुए आखिरकार पीड़िता द्वारा पुलिस थाने शिकायत दर्ज की गई, जहां पुलिस ने स्टेशन मास्टर राजेंद्र वर्मा की गिरफ्तारी की है। मिली जानकारी के आधार पर मूल मध्य प्रदेश के रतलाम की लड़की की शादी पिलोर स्थित रहते वैसे रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते शख्स के साथ हुई थी। पत्नी अकेली रहने के कारण पति ने उसे रेलवे स्टेशन पर सफाई कामदार के तौर पर नौकरी पर लगाया था। दौरान लॉकडाउन से पहले 20 दिनों पहले स्टेशन मास्टर की ऑफिस के पास साफ सफाई कामगिरी के दौरान 52 वर्षीय स्टेशन मास्टर वैसा राजेंद्र कुमार रामचंद्र वर्मा ने महिला को जबरन अपने पास बुलाते हुए माल सामान रखने के रूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म गुजारा था और बाद पीड़िता महिला वैसी सफाई कर्मचारी को 100 रुपए भी दिए थे, लेकिन परिणीता महिला सफाई कर्मचारी ने रुपए लेने से इनकार कर वापस अपने घर लौटी थी। बाद 8 महीनों के बाद दोबारा से स्टेशन मास्टर वैसे राजेंद्र वर्मा ने पिलोल आया था और बाद महिला सफाई कर्मचारी के घर जाकर चाकू दिखाकर दोबारा से दुष्कर्म गुजारने की मांग की थी, जहां भयभीत और डरी हुई वैसी महिला सफाई कर्मचारी ने अपने पति के साथ मिलकर गोधरा रेलवे पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस ने पिलोल के स्टेशन मास्टर वैसे राजेंद्र वर्मा की गिरफ्तारी कर सघन कार्यवाही जारी की है। लॉकडाउन पहला एटले के आश्रे 7-8 महीना पहला पिलोल और रेलवे स्टेशन से त्या एक सफाई कर्मी बहन था, सफाई नू कामकाज करता था। स्टेशन मास्टर रामचंद्र वर्मा एमने सफाई ना बने એના જે સફાઈનો રૂમ છે ત્યાં હાથ ખેંચી અને લઈ ગયેલા અને જબરદસ્તીથી એના વિરુદ્ધમાં શારીરિક કૃત્ય કરેલું। ત્યાર પછી લોકડાઉન જાહેર થતાં પીડિતા એના પતિ સાથે એના વતનમાં જતા રહેલા અને અહીંયા પરત આવેલા અને એમના ઘરે હતા। ત્યારે ગઈ તારીખ 17 જે આરોપી છે ચપ્પુ લઈ અને એના ઘરે ગયેલો, જેથી પીડિતા ગભરાઈ ગયેલી અને એના પતિને જાણ કરેલી અને જેથી આ ફરિયાદ આપેલી છે। ફરિયાદના અનુસંધાને મેં આરોપી ની પૂછપરછ કરી એને લઈ આવી અને કોવિડનો ટેસ્ટ કરાવેલ છે જે નેગેટિવ આવેલ છે અને હવે એની ધરપકડની કાર્યવાહી ચાલુ કરવામાં આવેલ છે। સાહેબ, હાલ તમને લાગે છે કે આવા જે કુકુરે કરનાર છે એ લોકોને જ્યાં સુધી તારે ગભરાઈ ગયેલી ત્યાર બાદ ફરિયાદ આપી છે, એ શું લાગે છે કે આવો કૃત્ય કરનાર વ્યક્તિ છે? સર પ્રશ્ન નહીં સર।